गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बिकॉम सेमिस्टर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू। आज के वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू में हम यूनिवर्सिटी 2024 गुजरात यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट पेपर है जनवरी 2024 उसके सम्स कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कंसाइनमेंट सॉल्व करवा दिया था। देर आर अदर थ्री चैप्टर, ज्वाइंट वेंचर, ब्रांच एंड हायर परचेज, जिसमें हायर परचेज में आपको मैं आज जनवरी 24 का जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऑप्शन में हायर परचेज के, आज मैं आपको वो दोनों ही सॉल्व करवा दूंगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल्सो हम ब्रांच अकाउंट और जॉइंट वेंचर का भी एक के बाद एक सम करेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू हायर परचेज फ्रॉम लेटेस्ट जनवरी 2024 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। लेट स्टार्ट नाउ। हियर हमारा जो हायर परचेज का जो क्वेश्चन होगा वो सबसे लास्ट यूनिट फोर है, इसका क्वेश्चन फोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स के ऑप्शन में 10 मार्क्स हैं और दोनों ही सम है, प्रैक्टिकल है। थियरी के बहुत कम चांसेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू में, क्योंकि काफ़ी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल मिलेंगे। फिर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन और टू की दोनों इंपॉर्टेंट थियोरी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप चेक कर लीजिए। एक और बात है कि हायर परचेज का जो सम है उसमें आपको जर्नल एंट्री और अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको टेबल सॉल्व करना है। तो क्योंकि मैं आज इसी वीडियो में दोनों सम सॉल्व करवाने का सोच रही हूँ, तो इसके जो अकाउंट्स और जर्नल एंट्री है वो मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको टेबल सॉल्व करवाऊंगी, जिसके बेस पर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जर्नल एंट्री और अकाउंट्स ड्रॉ करना। लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं पता है कि कैसे अकाउंट्स ड्रॉ करना है, कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगी, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था हायर परचेज का, जिसमें मैंने आपको अकाउंट और जर्नल एंट्री बनाना सिखाया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फोर, गुजरात यूनिवर्सिटी 2024, दैट इज मिस्टर प्रेम। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। प्रेम परचेज अ टीवी ऑन 1 जनवरी 2020 from Yogesh on hire purchase system. Cash price of the TV is 50,000 and other details of the contract were as under. ये जो प्रेम है वो 20 में एक हायर परचेज पर टीवी खरीदता है, जिसकी कैश प्राइस यानी कि टीवी के जो प्राइस है वो 50,000 है, और दूसरी डिटेल्स नीचे दी हुई है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उसमें है 10,000 पेड ऑन 1 जनवरी 2020 वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तब आप 10,000 रुपये पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउन पेमेंट, विच इज ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर हम जिस डेट पर हमने मशीन खरीदा उसी डेट पर देते हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज पेड एज अंडर। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। चार इंस्टॉलमेंट है, आप देख सकते हैं पूरे वन ईयर के गैप में एक एक इंस्टॉलमेंट है, सिक्स मंथ के गैप में भी आता है। मेरा आपको प्लेलिस्ट में ऐसा भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें सिक्स मंथ का पेमेंट शेड्यूल है। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अकाउंटिंग ईयर ऑफ बोथ द पार्टीज एंड ऑन 31st December, फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर टीवी अकाउंट एंड योगेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रेम। दोनों के अकाउंट बनाने हैं टीवी और योगेश के बुक्स ऑफ प्रेम में, प्रेम के बुक्स में। मैंने जैसे कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ कि उसमें आपको अकाउंट और जर्नल एंट्री दोनों मिल जाएंगे, बहुत आसान है। मेन जो हमको सीखना है वो है ये सॉल्यूशन ऑफ द टेबल, कि टेबल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको सिखा ही चुकी, पर ये लेटेस्ट वन है। डेट, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड बैलेंस। आपका जो मेन 1 जनवरी 2020 को आपका जो मशीन या फिर आपकी जो कार या तो फिर आपका जो लैपटॉप या फिर आपका जो टीवी, जो भी आपकी असेट है जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो यहाँ लिखनी है। मैं आपको ऐसे भी सम करा चुकी हूँ और कराऊंगी जहां पर ये ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऑन 1 जनवरी 2020, नाउ ऑन जनवरी 20 को हम इंस्टॉलमेंट नहीं पर फर्स्ट में हम डाउन पेमेंट देते हैं 10,000 की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000 डाउन पेमेंट कि जो उसी दिन को जब हम खरीदते हैं कोई भी चीज़ और जो पेमेंट करते हैं उसे डाउन पेमेंट करते हैं, और डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बी केयरफुल विद दिस, डाउन पेमेंट इज नेवर हैविंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप डैश करेंगे। कैश प्राइस कितनी, कैश प्राइस यानी कि आपने जो 50,000 जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें 10,000 इंस्टॉलमेंट के दिए, इंटरेस्ट है नहीं, यानी आपकी जो जो इंस्टॉलमेंट है विदाउट इंटरेस्ट, दिस इज कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है बट आपकी जानकारी के लिए, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट है। तो ये इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट कितना, तो वो भी 10,000 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट
आपका जो डाउन पेमेंट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस यानी कि 50,000 आपकी कैश प्राइस थी मशीन की, आप 10,000 दे चुके हैं, यानी अभी आपको पेमेंट कितना करना बाकी है 40,000। उस 40,000 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेमेंट के टाइम, राइट। दिस 40,000 नाउ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हैविंग 20, ये रहा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हैविंग 20,000। आपको डेट भी देख लेनी है 20, मैंने ये डेट कैसे लिखी है, तो ऑन द डेट ऑफ परचेज, फिर उसके बाद आपकी जो चारों इंस्टॉलमेंट है 20, 21, 22, 23 वो आपको लिख लेनी है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ तो अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट है तो जस्ट राइट डाउन इंस्टॉलमेंट इन कंपेरिजन विथ योर डेट। 21 को 15,000 दे रहे हैं, 22 को 10,000 दे रहे हैं और 23 को 2794 दे रहे हैं। दिस इज वॉट वी हैव, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 40,000, 20,000, अभी इंटरेस्ट का रेट है 10% पर है ना, तो इंटरेस्ट कितना, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिस इज 40,000, दिस इज ऑल्सो कॉल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिस इज क्लोजिंग 40,20, दैट इज योर इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कितना, तो 40,000 का 10% 4,000, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखना चाहूँ विदाउट इंटरेस्ट तो 20 - 4 दैट इज 16,000। अब ये जो बैलेंस है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि अब हमें कितना पेमेंट करना है नेक्स्ट मंथ में, तो हम मांग रहे थे हमें पेमेंट करना था 40,000 और 16,000 हम पेमेंट कर चुके हैं विदाउट इंटरेस्ट। सो 40,000 - 16,000 दैट इज 24,000 इज योर बैलेंस। इस 24,000 को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। नाउ दिस 24,000 यानी कि अभी हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें हम तो 24,000 का 10% दैट इज 2400 मैं यहाँ लिखूंगी। 15,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है जिसमें से 2400 तो आप इंटरेस्ट का ही दे रहे हैं, यानी कैश प्राइस की तरफ आप कितना दे रहे हैं, तो मैं कैश प्राइस से 12,600, कैश प्राइस यानी कैपिटल अमाउंट पे आप 12,600 दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे 2400 दे रहे हैं। 24,000 आपकी ओपनिंग कैश बैलेंस था, 12,600 आप कैश प्राइस की तरफ दे रहे हैं, यानी आपका बैलेंस बचता है 11,400 जिसे हम नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाउ 11,400 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1140, 10,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, 1140 आपका इंटरेस्ट है, यानी आपका जो बैलेंस बचता है 8860, दिस इज द विदाउट इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस कितना, तो 11,400 - 8860 तो दैट विल कम 2540 जिसे हम ओपनिंग में लेकर आएंगे 2540। इसका हम 10% इंटरेस्ट काउंट करेंगे जो हम यहाँ लिखेंगे 254, दिस इज इंस्टॉलमेंट दिस इज इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे एंड अवर बैलेंस इज 2540। ये हमारा बाकी था, ये हमने पे किया, ये दोनों ही सेम होगा तभी यहाँ पर डैश आएगा, दिस इज कन्फर्म। हायर परचेज में पूरे टेबल का लास्ट बॉक्स, दिस इज द लास्ट बॉक्स ऑफ द टेबल, मस्ट बी डैश, मस्ट बी नेल, मस्ट बी जीरो, क्योंकि हम हमारा पूरा पेमेंट कर देते हैं। मैं वापस इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि आपका सबसे पहले कैश प्राइस लिखना है मशीन की, जो भी आप असेट खरीदते हो उसकी, ये नहीं दिया है तो क्या करना है मैं आपको सिखा दी, पर हमारे इस सब में दिया है तो ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपको जितनी इंस्टॉलमेंट डेट के सामने है वो लिख दीजिए। इंटरेस्ट आपको इस पे कैलकुलेट करना है लेकिन पहले में नहीं करना है क्योंकि पहले में इंस्टॉलमेंट नहीं है, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता। सो इंटरेस्ट में डैश आएगा, 10,000 ही कैश प्राइस रहेगी क्योंकि ये कॉलम, अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम के नंबर लगाऊं, 1, 2, 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 4 का मतलब क्या होता है 2 - 3 और 5 का मतलब क्या होता है 1 - 4। ये आप हमेशा याद रखिए कि 5 इज व्हाट, तो पहली और चौथी कॉलम का डिडक्शन, और 4 इज व्हाट, सेकेंड एंड थर्ड का डिडक्शन। अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग और उसी पे इंटरेस्ट हम काउंट करके यहाँ पे लिख देते हैं। इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस करके हम बैलेंस लिखते हैं। ये हमने पे किया टुवर्ड्स कैपिटल जिसे हम कैश प्राइस कहते हैं, इसलिए हम फर्स्ट कॉलम में से फोर्थ कॉलम माइनस करते हैं, राइट, और ये लास्ट में जीरो आना चाहिए। दिस इज द हिंट दैट योर सम इज करेक्ट, दिस इज द हिंट दैट आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो परफेक्ट है। अब इसमें आपको जनरल एंट्री नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ अकाउंट बनाने हैं, दो अकाउंट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं, बट ये मेन है। अगर आप इसे बना लेते हैं तो फिर अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट के अमाउंट जब लिखनी होगी तो आप ये रही आपकी डेट, ये रहे आपके इंटरेस्ट 20, 21, 22, 20, ये आप इंटरेस्ट के अमाउंट लिखने के। अगर आपको अकाउंट में लिखना है कैश प्राइस
इंस्टॉलमेंट जो भी आपको लिखना है, आपको असेट्स की कैश प्राइस 50,000, आपको ये लिखना है कि आप कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे, तो ये यहाँ से मिल जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से मिल जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज फॉर 10 मार्क्स. आप अगर टेबल बनाते हैं, आपको दो अकाउंट बनाने हैं जो सिंपल है, 10 मार्क्स आपके, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट इज ऋषभ. Rishabh purchased a motor car on 1st April 2019 from Tata Motors on hire purchase system and paid rupees 3 lakh on signing the contract. ये signing the contract यानी कि down payment के वक्त payment किया है, यानी कि ये आपके motor car की cash price नहीं है, ये आपके motor car की down payment है. Remember student, ये खास जब आप सम पढ़े ना, तो उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या और किस तरह से पूछा गया है. तो आप देखिए कि ऋषभ की कैश प्राइस नहीं है, यहाँ पे सीधा 50,000 कैश प्राइस था. ऋषभ का क्या हो रहा है, तो ऋषभ के पास हमारे डाउन पेमेंट से ही स्टार्ट होता है 3 लाख. आउटस्टैंडिंग अमाउंट वॉज पेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर इंक्लूडिंग 15% इंटरेस्ट इन 4 इंस्टॉलमेंट. ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 डेट आ गई. Depreciation is calculated at the rate of 12% per annum under straight line method. Rishabh closes his accounts on 31st March every year. आपको 15% interest के हिसाब से काम करना है और interest इसके अंदर ही है, including in 4 installments. The problem is that we don't have cash price. Cash price नहीं है. तो जब भी आपके सामने cash price नहीं हो, तो जो भी है वो आप लिख लीजिए. तो हमारे पास क्या है, तो एक चीज है, 4th column is dash. ये यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि तभी आपका इंस्टॉलमेंट क्लियर होता है. अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट में डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट इज 3 लाख. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 लाख, ठीक है. और मैं सारे इंस्टॉलमेंट लिख देती हूँ जो आपकी क्वेश्चन में है, 2,90,000, 2,60,000, 1,30,000 एंड द लास्ट इज 1,15,000. दिस इज गिवन, ये कोई ढूंढा ऊंडा नहीं है. एक चीज हमें ये पता है कि फर्स्ट डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, यानी आपकी कैश प्राइस भी वही आएगी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करो, पर पेंसिल अभी साथ में लेके नहीं बैठी, बट आप सोचिए कि ये नहीं है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते, दिस इज व्हाट वी हैव, हमारे पास ये है. नाउ इन एनी सम व्हेन यू डोंट हैव कैश प्राइस, यू हैव इंस्टॉलमेंट एंड ऑल्सो यू हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. अगर आपके पास इतनी चीजें अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सम को स्टार्ट करेंगे उल्टे से. यस, यू हैव टू स्टार्ट योर सम फ्रॉम द लास्ट लाइन, जैसे कि 31st मार्च 23. कैसे, ये 31st मार्च 23, 1,15,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, जिसके अंदर इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कितना, 15%. यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 15% इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट, तो 115 आपकी इंस्टॉलमेंट हुई और ये 100 आपकी कैश प्राइस हुई. आई होप यू गॉट द पॉइंट. आपको 15% इंटरेस्ट बोला और ये कहा है कि आपके इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, यानी आपके इंस्टॉलमेंट 115 हुई, 15 इंटरेस्ट हुआ. अगर मेरी इंस्टॉलमेंट 1,15,000 है, अगर क्या है, मेरी इंस्टॉलमेंट 1,15,000 है, अगर उसमें से मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है, तो मैं ये कहूंगी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 115. समझ में आ गया आपका, 115 के सामने अगर 15 इंटरेस्ट है, तो 1,15,000 पे कितना, दिस इज द इक्वेशन, योर आंसर विल बी 15,000. अब ये 31st मार्च 23 का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है. मैंने यहाँ लिख दिया 31st मार्च 23 एंड अवर इंटरेस्ट इज 15,000, यानी कि हमारी कैश प्राइस हो जाएगी 1 लाख, ठीक. यहाँ तो डैश ही आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर कितनी अमाउंट होगी, तो यहाँ डैश आएगा. ये कॉलम नंबर 5 है, जिसको हम फर्स्ट कॉलम में से 4th कॉलम को माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट और 4th कॉलम जब इक्वल होती है, तभी यहाँ डैश आता है, तभी यहाँ 0 होता है. मतलब यहाँ पर 1 लाख अगर है, तो ही वो डैश आएगा. अब मैं इसको, ये हमारा ओपनिंग है, यानी ये क्लोजिंग हुआ, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, मैं 1,30,000 का, 1,30,000 के अंदर कितना इंटरेस्ट है वो ढूंढूंगी. पर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, ये 1,15,000 - 15,000 इज इक्वल टू 1 लाख. दिस इज योर कैश प्राइस. हम जा रहे हैं रिवर्स मोड में, हम जा रहे हैं उल्टे. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम
ऊपर जाएंगे 23, 22, 21, 20, 19, वैसे वैसे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती हुई जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 23 तक वो हम पे ऑफ कर चुके हैं, इसलिए वो कम होती जाएगी। लेकिन हम तो रिवर्स कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं यानी 23, 22, 21, 20, 19, यानी जैसे जैसे हम ओरिजिनल डेट पर जाएंगे जब हमने मशीन खरीदी है तो वो अमाउंट बढ़ती हुई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2022 की, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 22 में हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो 1,30,000। लेकिन हमारा 23 का जो कैरी फॉरवर्ड हम उल्टा जा रहे हैं ऊपर, वो 1,00,000 रुपीज हम इसमें से ऐड करेंगे, दैट इज 2,30,000। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम तो कम नहीं कर रहे, हम बढ़ने पे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं जहां पर हमने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की होगी। यानी कि अगर हम 23 में इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, इंटरेस्ट तो 1,15,000 होगा, लेकिन जब हम 22 की बात करेंगे तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा 1,00,000 रुपीज कैश प्राइस, क्योंकि अभी 23 आया नहीं है। तो 2,30,000, अब हम इसमें से इंटरेस्ट ढूंढेंगे, 2,30,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115 एंड आवर आंसर इज 30,000, राइट। तो ये हुआ 31/3/22 में हमारा इंटरेस्ट, 31/3/22 में हमारा इंटरेस्ट 30,000, यानी हमारी कैश प्राइस कितनी हुई, अगेन 1,00,000। अगर फोर्थ कॉलम को माइनस 1,00,000 करके यहाँ पे 1,00,000 आता है, इसका मतलब है यहाँ पर होना चाहिए 2,00,000, क्योंकि 2,00,000 में से 1,00,000 माइनस जाएगा तो ही यहाँ 1 आएगा। ये क्लोजिंग है तो यहाँ पर 2,00,000, ये ओपनिंग है तो यही आपका क्लोजिंग होगा, ठीक है। अब चलिए 31/3/21 सेम फंडा, हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी 21 को 2,60,000 प्लस क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 2,30,000 है, 2,30,000 में 30,000 इंटरेस्ट है, 2,30,000 माइनस 30,000, यानी हमारी कैश प्राइस कितनी आई थी 2,00,000, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम अनपेड अमाउंट की तरफ जा रहे हैं। 4,60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115 एंड अवर आंसर विल कम 60,000। बहुत मिक्सअप कर लिया, चलो 60,000, इट मीन्स दैट 4,60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 4,00,000। ये 4,00,000 रुपये आ गए। अब मैं यहाँ पे 21 में 60,000 इंटरेस्ट लिख दे रही हूँ, यानी आपका कैश प्राइस होगा 2,00,000। कितने में से 2,00,000 माइनस करूँ तो 2,00,000 आएगा, 4,00,000। ये वही अमाउंट है जो यहाँ आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में हमारा जो इंस्टॉलमेंट है 20 का, वो है 2,90,000। 2,90,000 में हम ऐड करेंगे 4,00,000, सो वी विल हैव 6,90,000। 6,90,000 में हम 15% इंटरेस्ट से काम करेंगे, सो वी विल हैव 6,90,000 और इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115 एंड वी हैव 90,000। तो हम हमारा इंटरेस्ट लिखेंगे 90,000। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 31 मार्च 2020। ये रहा 31 मार्च 2020 90,000 इंटरेस्ट, यानी कि कैश प्राइस होगी 2,00,000। मैंने 4,00,000 ही ओपनिंग, तो 4,00,000 आपका क्लोजिंग। 4,00,000 लाने के लिए तो यहाँ पर होना चाहिए 6,00,000, यही 6,00,000 हमारे यहाँ पे क्लोजिंग, बस आपका काम हो गया। अब हम 1 अप्रैल 2019 की बात करें, ये आप अगर यहाँ पे इसको नहीं लिखने तो भी चलेगा। 6,00,000 आप बैलेंस लास्ट का लेकर आए, प्लस आपका डाउन पेमेंट कितना है 3,00,000, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को आपकी जो मशीन है, जो भी आपका आपने खरीदा है ऋषभ ने, वो 9,00,000 उसकी परचेज प्राइस, 6,00,000 बैलेंस, 3,00,000 कैश प्राइस, यहाँ पे मैं 9,00,000 लिखूंगी, तो 9,00,000 में से 3,00,000 माइनस करूंगी तो 6,00,000 आएगा। दिस इज डन, ये हो गया आपका टेबल, विच इज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको रिवर्स जाना है तब आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना है, फिर भी ये आसान है क्योंकि इसमें भी एक आध दो इंस्टॉलमेंट बीच में से मिसिंग होगी और आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा और फिर उसके बेस पर आप ढूंढेंगे, उसमें कई तरह की वैरायटीज आती है। बट द गुड थिंग इज दैट वंस अपॉन अ टाइम दिस हायर परचेज वॉज आस्क इन 14 मार्क्स, 14 मार्क्स में पूछते थे, इसलिए वो लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ऐड करते थे। बट जैसे मैंने कहा कि यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको सिर्फ 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए एग्जामिनर के
पेपर सेटर के हाथ थोड़े बन जाते हैं लेंथ के लिए कि कितना लंबा सम पूछना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये दो टेबल सॉल्व करा है आपको, आप उसे खास ध्यान में रखिए। इट्स वेरी सिंपल बट यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिस, क्योंकि एक गलती आपकी एनी यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो कहीं पर भी, ये कैलकुलेशन में भी कहीं करो, दैट विल रून योर होल सम, आपका पूरा सम ही गलत हो जाएगा। फिर आपको अटेम्प्ट करने के जर्नल एंट्री के अकाउंट्स ड्रॉ करने के मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, और जहां तक आपके स्टेप्स सही है वहां तक। इसलिए प्रैक्टिस काफी जरूरी है हायर परचेज में। ये दो टेबल मैंने सॉल्व कराए, यानी कि आपके दो सम फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है 24 का वो सॉल्व हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि जर्नल एंट्रीज और अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल देती हूँ, तो आप FA2 का प्लेलिस्ट देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सिंगल विथ ब्रांच, आपका FA2 में ब्रांच है, 24 का ब्रांच का सम सॉल्व कराऊंगी। चलिए फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।